लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अंदर से भरी थी ये एक ट्रेस तो फिल्म में कर दिया मास्टरबेशन सीन। अंदर से भरी थी ये एक ट्रेस तो फिल्म में कर दिया बॉलीवुड एक ट्रेस। स्वरा भास्कर फिल्म वीरे दी वेडिंग में बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आई थी। इस फिल्म में स्वरा ने कुछ ऐसे सीन कर दिए थे जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गई थी और इस सीन के कारण स्वरा को भद्दे भद्दे कमेंट्स का सभी सामना करना पड़ा था। दरअसल फिल्म वीरे दी वेडिंग में स्वरा भास्कर ने मास्टरबेशन सीन किया था जिसके कारण वो ट्रोल हो गई थी। इस बारे में स्वरा का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस सीन के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ऐसा भी लगा था कि इस सीन को देखने के बाद सभी लोगों के बीच महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में भी चर्चा होना शुरू हो जाएगी। स्वरा का कहना है कि महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर्स के विषय को भारत में और हमारे समाज में अछूत माना जाता है। स्वरा को ये भी पता था कि जब लोग ये सीन देखने गए तो उसके बाद उनकी आलोचना करेंगे और इस सीन को देखने के बाद लोगों को धक्का भी लगेगा। कुछ लोग इसे शर्मनाक कहेंगे तो कुछ इसकी निंदा करेंगे। स्वरा ने अपनी बातचीत में कहा कि वो हमेशा ही राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देती ही रहती है, इसलिए लोग कभी भी उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। स्वरा ने इस दौरान इस बात की भी खुशी जताई है कि किसी बॉलीवुड फिल्म में पहली बार महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर कोई सीन खुलकर दिखाया गया है। इसके साथ ही इस बारे में अब बॉलीवुड में विचार विमर्श करना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, इस फिल्म में स्वरा भास्कर के अलावा करीना कपूर, सोनम कपूर और शिखा तलसानिया भी लीड रोल में ही नजर आएंगी।